नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं अर्जुन राठौर। आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने हिंदी कमेंटेटर सुशील दोषी जी, जो पद्मश्री भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंदौर का गौरव भी हैं आप। आपने हिंदी की कमेंट्री को पूरे विश्व में स्थापित किया और हिंदी की कमेंट्री को पूरे विश्व में फैलाने में आपका योगदान रहा है। आज ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि सुशील दोषी जी हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे पूछेंगे कि किस तरह से उन्होंने कमेंट्री की शुरुआत की और कैसे उन्होंने उसको डेवलप किया। हाँ, देखिए, 1968 की बात है, मैं तो तब 19 साल का ही रहा हूँगा। तो अब क्रिकेट के बारे में मैं काफ़ी जानकारियाँ हासिल करता था, फोटोग्राफ्स इकट्ठे करता था, अखबारों की कटिंग्स इकट्ठी करता था और खिलाड़ियों के फोटो अपने एल्बम में लगाया करता था। 1968 में मुझे पता चला कि आकाशवाणी से हिंदी में कमेंट्री होने वाली है, तो मैं निडर रूप से लड़का ही था, कोई इज्जत जैसी कोई बात थी नहीं, तो मैं तुरंत ही पहुंच गया आकाशवाणी के, आई कैन डू कमेंट्री, मैं कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि नीचे से ऊपर तक मुझे देखा और फिर कहा कि अरे भाई, पुट ऑन सम ग्रे हेयर्स, पहले थोड़ा अनुभव के सफ़ेद बाल तो लाओ, उसके बाद फिर आना। तो उन्होंने मुझे भगा दिया, तो मैं चला गया। तो उसके बाद उन्हें शायद कोई मिला ही नहीं, और हिंदी में कमेंट्री की शुरुआत होनी थी। देश भर में किसी ने भी तब तक हिंदी कमेंट्री सुनी ही नहीं थी, और फिर जब कोई नहीं मिला तो उनको ध्यान आया कि एक पागल सा लड़का आया था जो कमेंट्री करना चाहता था, तो उसी को पकड़ा जाए। तो मुझे बुलाया गया, मैंने कमेंट्री की और उनको लगा कि ये बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन काम चला लेगा। तब मैंने पहली हिंदी में कमेंट्री की 1968 में। मैं समझता हूँ कि मैंने किसी की हिंदी कमेंट्री तब सुनी नहीं थी, वो शायद हिंदी कमेंट्री की इस देश में शुरुआत ही रही होगी। सर, उसके बाद जो आपने बताया कि जो फर्स्ट ब्रेक आपको मिला, तो फिर कैसे फिर विस्तार होता गया सर? हाँ, ये भी एक अलग कहानी है, क्योंकि लोगों की आलोचना सहता रहा, मासूम मन था, युवा लोग थे हम जी, और दिल को बड़ी ठेस लगी जब लोग आलोचना करते थे अखबारों में, तब दुख होता था। तो मैंने सोचा कि चलो अब इस काम को किया ही जाए और इसको सफल बनाना ही है, चुनौती की तरह लेना शुरू किया। और तब मैंने देखा कि जब स्ट्रोक खेला जाता है तो किस तरह से खेला जाता है, जैसे स्क्वायर कट करते हैं, तो खिलाड़ी करता क्या है। मैंने हिंदी में सोचना शुरू किया और तब मैंने देखा कि स्क्वायर कट करता है तो खिलाड़ी गेंद की लाइन से अपने आप को अलग करता है, स्ट्रोक के लिए जगह बनाता है और फिर स्क्वायर कट करता है चार रन के लिए। तो इसमें यह हुआ कि एक शैली भी बन गई, भाषा भी बन गई और लोगों की उसमें स्वीकृति भी बहुत जल्दी मिल गई। तो अच्छा हुआ कि मैंने किसी की कमेंट्री सुनी नहीं थी, सुनता तो शायद किसी की नकल करता, नहीं सुना तो अपनी शैली खुद ईजाद की। और मुझे खुशी है कि आज जो शैली मैंने बनाई, सारी क्रिकेट के कमेंट्री दुनिया उस शैली को आज अनुसरण कर रही है। तो मैं जानना चाहता था कि आज जिस मुकाम पर आप आ गए हैं, तो उसमें एक लंबा सफ़र आपने तय किया है, और सबसे बड़ी बात ये कि भारत सरकार ने जो सर्वोच्च सम्मान होता है देश का, पद्मश्री, वो आपको दिया है, ये इंदौर के लिए बहुत गौरव की भी बात है। तो इसको लेके क्या सोचते हैं सर? हाँ, मैं समझता हूँ कि देखिए, मैं क्रिकेट जब भी कमेंट्री करता हूँ ना, तो फुटवर्क की बहुत बातें करता हूँ कि फुटवर्क अच्छा होना चाहिए, लड़खड़ाना नहीं चाहिए। लेकिन जब पद्मश्री की उपाधि लेने गए तो पैर सीधे ही नहीं पड़ रहे थे, पैर टेढ़े मेढ़े हो जा रहे थे। देखिए, इतना बड़ा पुरस्कार देश का, इतना बड़ा पुरस्कार और इतना प्यार लोगों का, आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि वहाँ जब राष्ट्रपति द्वारा नाम पुकारा जाता है और आपको पुरस्कार दिया जाता है, तब आपको लगता है कि ये क्या हो गया, इतने बड़े सम्मान के हम हकदार भी हैं कि नहीं। और तब जिम्मेदारी से मन भर आता है, हृदय भर आता है, और जो वातावरण होता है, देखिए, ये सम्मान की बात है, रुपये पैसों का सवाल नहीं है, ये सम्मान की बात है। और मुझे ये भी खुशी हुई कि हिंदी के कारण ये पुरस्कार मिला। देखिए, हिंदी भाषा का सम्मान था, अंग्रेजी में भी कमेंट्री होती, अंग्रेजी कमेंटेटर को तो पद्मश्री नहीं मिला, हिंदी कमेंटेटर को पद्मश्री मिला। इसका मतलब ये हुआ कि आपने देश की भाषा में देश के लोगों से बातचीत की और उनके अपने दिल से कमेंट्री को निकाल कर लोगों के दिलों को छूने की सफल कोशिश की। ऐसा हुआ, इसी कारण
लोगों के दिल में समाने की जो आपने कोशिश की उसमें सफल रहे। आपने जैसे बताया कि हिंदी की जो कम्युनिटी की भाषा है उसको आपने खुद ने एक शैली दी, तो सर वो शैली कौन सी थी? देखिए वो शैली जानबूझकर तो कोई बनाता नहीं है, वो शैली ऐसी होती है कि आपके दिल से महसूस करो, दिल में उतरने की कोशिश करो, हिंदी में सोचो, हिंदी में ही बोलने की कोशिश करो। देखिए आजकल कई क्रिकेट खिलाड़ी भी कमेंट्री करते हैं लेकिन वो अंग्रेजी में सोचते हैं और फिर हिंदी में उसका अनुवाद करके बोलने की कोशिश करते हैं, उसमें बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। जैसे एक क्रिकेट खिलाड़ी ने एक दफ़े कहा, कोई खिलाड़ी घायल हो गया था तो खिलाड़ी थोड़ा लड़खड़ा रहा था, तो उसने कहा कि उनका चाल चलन खराब हो गया है। तो जब आप अंग्रेजी में सोचते हैं और हिंदी में बात करते हैं कि एकदम इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। और देखिए खिलाड़ियों की जिम्मेदारी तो ज़्यादा बड़ी है हमसे भी, क्योंकि खिलाड़ी जब बोलते हैं तो आज छोटे छोटे बच्चे समझते हैं कि इतने बड़े खिलाड़ी हैं, नायक हैं, ये गलत बोल ही नहीं सकते। लोगों की भाषा खराब होती है और सुकरात ने जैसा कहा है कि किसी भी देश को अगर खराब करना है तो सबसे पहले उसकी भाषा को खराब करिए, तो भाषा को खराब करने का काम हो गया। और इसके प्रति मैं समझता हूँ हर भारतीय को जागृत होने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर आपने अपनी मातृभाषा को प्यार नहीं किया तो फिर आप अपने देश को भी प्यार नहीं कर सकते। हम जब छोटे थे तो आपकी कमेंट्री सुनते थे, उसके बाद कई जनरेशन आई और आज की जनरेशन भी आपकी कमेंट्री सुनती है, तो आप इसको कैस किस रूप में देखते हैं सर, क्योंकि आपने तो हर दशक में पीढ़ियाँ बदलती हुई देखी है। नहीं बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। 50 वर्ष मुझे कमेंट्री करते करते हो गए थे, 1968 में पहली कमेंट्री की थी, 2019 शुरू हो गया, 50 वर्ष पूरे हो गए, तो इतना लंबा अनुभव। क्रिकेट की दुनिया बदल गई। देखिए पहले एक दिवसीय क्रिकेट भी नहीं होता था, फिर T20 क्रिकेट शुरू हो गया, सीमित ओवरों का क्रिकेट हुआ और अब तो T10 की भी बात की जा रही है। लेकिन हर दशक में मैंने कमेंट्री की और शीर्ष स्तर पर की, चाहे स्टार टेलीविज़न हो या नियो स्पोर्ट्स हो या फिर 10 स्पोर्ट्स हो या फिर दूरदर्शन हो या आकाशवाणी पर हो, सभी जगह मैंने कमेंट्री की और सफलता के साथ कमेंट्री की, लोगों का दिल जीतने की कोशिश की और लोगों का प्यार और मोहब्बत बदले में पाई। देखिए 400 से ज़्यादा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच मैंने किए, 85 से ज़्यादा टेस्ट मैच, और शायद मैं देश का पहला कमेंटेटर हूँ जिसने 10 विश्व कप पूरे कर लिए, और शायद देश का मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके नाम से क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड या किसी स्टेडियम में कमेंट्री बॉक्स का नाम सुशील दोषी कमेंट्री बॉक्स किया गया। तो मैं समझता हूँ कि मेरी योग्यता तो जो भी रही होगी वो रही होगी, लेकिन लोगों का प्यार इस कारण मुझे ज़्यादा मिला क्योंकि मैं हिंदी कमेंटेटर था। इस कारण मैं लोगों का धन्यवाद देता हूँ, क्रिकेट प्रेमियों का धन्यवाद देता हूँ, इंदौर वासियों का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरे करियर में लगातार दिलचस्पी ली, भले ही आलोचनाएं जब भी की करते रहे हों लेकिन फिर भी सकारात्मक आलोचनाएं रही, उनके कारण मैं आगे बढ़ा और आप लोगों ने इतनी देर तक मेरी अभी भी बातें सुनी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।